नमस्कार, आपका नाम बताइए। विजय चौहान। विजय चौहान जी, आप कृषक भी हैं जी। कितने एकड़ जमीन आपकी? 3 एकड़। 3 एकड़ जमीन। लेकिन ये जो कारखाना है आपका, मतलब छोटा लघु उद्योग है जी, आप इसमें ईंट बना रहे हो। हाँ। इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है? इसमें सर 5 तरीके के मटेरियल लगते हैं जी। एक 4 mm बारीक डस्ट आती है जी, और एक 6 mm जी, और जो बिजली का जो फ्लैश निकलता है, अपने प्लांट बनता है जो बिजली बनती है इससे जी जी, उसका जो फ्लैश निकलता है उसकी फ्लैश लगती है जी, और कुछ केमिकल वगैरह आते हैं इसमें जी, और इसमें सीमेंट हाँ मिला के इसका मिक्सर करके ईंट बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो प्लांट आपने डाला छोटा, इसमें कितनी लागत आई अभी आपको? सर इसमें मेरे को मार्केट से कर्जा लेके काम किया है अभी जी। मेरी मशीन है 7.5 लाख रुपए की। 7.5 लाख की जी। जी, फाइनेंस करके मैंने काम किया है अभी स्टार्ट। अच्छा, फाइनेंस करवाया इसका। हाँ, तो ये मैंने काम छोटा किया है जी। जी, मैं सोच रहा हूँ कि और सरकार को तो कुछ और मेरे को कुछ मिल जाए तो थोड़ा बड़ा काम करूँगा अपने एरिया में। जैसे पेवर्स वगैरह बनते हैं जी। हाँ, जो अभी 4 लाइन निकली है यहाँ पे जी। हाँ, जो रोड के साइड जो पेवर लगते हैं, पेवल हाँ, उसका मैं प्लांट डालने का सोच रहा हूँ। अच्छा, आपका इच्छा है कि उसका भी आप प्लांट डालें जी। सर आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ जी। आपके घर में 10वीं पास भी होंगे बच्चे? हाँ सर, वो तो क्या पहले घर जैसे ही काम धंधे करते थे छोटे से थे। हाँ हाँ, पढ़े कर नहीं पाए जी जी, छोटे से जब से बिजनेस काम धंधे में लगे हैं। तो ये कुल मिला के खेती के साथ साथ में इनकम बढ़ाने के लिए आपने ये जो सीमेंट की ईंट बढ़ाने का काम चालू किया? सामने मेरी खेती है, इसमें गेहूँ बोया है मैंने। अच्छा, आगे गेहूँ बोए हैं आपने। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक दिन में कितनी ईंट बन जाती है इसमें? सर ये बनती 3000 से 3500। 3000 से 3500 ईंट। और इतने लेबर आपने लगा के रखे हैं इसमें? हाँ, उनको रोजगार दिया आपने? 8 लेबर। 8 लेबर को आपने रोजगार दिया हुआ है। 3000 से 3500 ईंट, ये क्या भाव बिकती है? ये सर 5000 से 6000 के समथिंग। 5000 रुपये की 1000 ईंट। 1000 ईंट की कीमत 5000 रुपये है ना? तो अभी आप चाहते हैं कि इसको वृहद स्तर पे करना चाहें जी सर, है ना? निश्चित रूप से जो है, मैं आपके इस काम को मैं आपकी सराहना करता हूँ, क्योंकि आपने एक युवा हैं आप और एक युवा कृषक हैं, तो साथ में आपने गांव में ये गांव बेड़ियाओं में और विकासखंड खरगोन में ये काम चालू किया है। तो मैं आपको जो है नाबार्ड से या अन्य किसी बैंक से आपको अनुदान भी मिले और आपको लोन और मिले ताकि इसको आप वृहद कर सको, ये काम के लिए मैं आपको जो है आपका जो है आपकी फाइल आगे बढ़ाऊंगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।